कोरियन मूवी देखना ही है तो क्यों ना ऐसी मूवी को देखा जाए जिसे देखते वक्त एक पल के लिए भी आपकी पल के झपकने ना दे। सस्पेंस ऐसी की मूवी को समझने के लिए अपने दिमाग को हाईएस्ट लेवल तक ले जाकर समझना पड़े। कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि हमारा दिमाग उसे कभी निकाल ही नहीं पाए, वो डर, वो एंजाइटी और टेंशन हमें फील कराए और मूवी का एंडिंग ऐसा हो कि हमें 100% सेटिस्फाई करे। तो आज के रिव्यू हम लाए हैं टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामा थ्रिलर मूवी में से टॉप 7 बेस्ट कोरियन ड्रामा थ्रिलर मूवी, जो आपको कुछ टाइम के लिए आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दे। और खुशी की बात है, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ बोनस सीरीज को बताएंगे, जो आप सभी सब्सक्राइबर को पता होता है इस चैनल का बोनस सीरीज सबसे बेस्ट एक लेवल ऊपर होता है। इस लिस्ट की बोनस सीरीज को कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग में से 99% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। भरोसा रखिए, इस चैनल पे आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो चलिए आज कुछ सस्पेंस मिस्ट्री को सॉल्व कर अपने दिमाग को चैलेंज करते हैं। नंबर 5 की कोरियन मूवी आपकी सोच से एक लेवल ऊपर एक्सपीरियंस कराएगी। टिपिकल मूवी में विलन किसी को मारता है तो उसे सजा दी जाती है, पर इस फिल्म में विलन को एक सेलिब्रिटी की तरह रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। 2012 की सुपर हिट कोरियन थ्रिलर एक्शन के साथ कन्फेशन ऑफ मर्डर। इस मूवी में इतना दम है कि आपको पहले एक मिनट में ही आपको ये मूवी चौंका देगी। मूवी की स्टोरी, एक मर्डरर 17 साल के बाद अपनी मर्डर को कन्फेस एक किताब के जरिए करता है। लाइव मीडिया और पुलिस के सामने अपने क्राइम को कन्फेस करने के लिए जिगरा होना चाहिए। ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, आप मूवी देखिए, आपका दिमाग हिला कर रख देगी। बस इसका नेगेटिव पॉइंट, इसका एंडिंग थोड़ा और भी इम्पैक्टफुल होता तो मूवी वन ऑफ द बेस्ट होता। बाकी आप मूवी को देखिए, इसके सस्पेंस आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। इसे नेटफ्लिक्स पे ऑफिशियली साइट से हिंदी डबिंग डाउनलोड कर देख सकते हैं। नंबर 4 की मूवी कोरिया की बेस्ट एक्टर ऑल टाइम फेवरेट 2017 की एक्शन क्राइम मा डोंग सुक की द आउटलॉज। मूवी शुरू से ही अपने फुल स्वैग और एक्शन में चलती है, ऊपर से मा डोंग सुक की फुल स्वैग वाली एटीट्यूड मूवी देखने का और भी इंटरेस्ट जगाती है। मूवी की स्टोरी रफ एंड टफ पुलिस ऑफिसर की है, ऐसे 3 कातिल की ढूंढने की भागदौड़ है जो लोगों को सिर्फ मार ही नहीं रहा है, बुरी तरह से काट काट कर पीसेस में मार रहा है। अगर आप सेंसिटिव लोगों में से हैं तो इस फिल्म से दूर ही रहिएगा। मूवी के सबसे बेस्ट पार्ट है इसके बिंदास एक्शन और मा डोंग सुक की नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग। नो डाउट ऑफ मूवी देखने के बाद मा डोंग की एक्शन और उनकी मूवी के फैन बन जाओगे। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है, ये ऑफिशियली हिंदी डबिंग नहीं है। इसे अनऑफिशियली साइट से अनऑफिशियली हिंदी डबिंग डाउनलोड कर देख सकते हैं। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी लास्ट तक आते आते आपको रुला कर एक सोशल मैसेज दे जाएगी 2021 की साइंस फिक्शन ड्रामा के साथ सीओ बॉक। मूवी कुछ अलग दिखाने की कोशिश करती है, ऐसी मूवी को कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। इसे आप अनऑफिशियली साइट से अनऑफिशियली हिंदी डबिंग डाउनलोड कर देख सकते हैं। नंबर 3 पे है कौन कहता है कि हमें भूतों से नहीं फटती। ये कोरियन मूवी में इतना दम है कि सिर्फ अपने कैमरा एंगल और बैकग्राउंड म्यूजिक से इतना डरा देगी कि आपकी सोच बदल जाएगा कि मेरी कभी भी भूतों से नहीं फटती। 2003 के हॉरर थ्रिलर के साथ आ टाइल ऑफ 2 सिस्टर्स। आपको भरोसा नहीं होगा कि ये 18 साल पुरानी हॉरर मूवी है। आज भी इस मूवी को देखने के बाद आपको हिम्मत नहीं होगा कि आप उठकर पलंग के नीचे देख सके। मूवी सिर्फ हॉरर ही नहीं बल्कि एक खतरनाक ट्विस्ट के साथ सुपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगा। मूवी के सबसे बेस्ट पार्ट है, डायरेक्टर ने सिर्फ अपने कैमरा एंगल के मूवमेंट से ही हमें डरा देते हैं। इसे कहते हैं एक परफेक्ट हॉरर मूवी जो हमें फाड़ कर रख दे। इंग्लिश में और अनऑफिशियली साइट से अनऑफिशियली हिंदी डबिंग के साथ डाउनलोड कर देख सकते हैं। नंबर 2 की कोरियन मूवी आपको सीधा 2092 70 साल आगे फ्यूचर में ले जाएगी, जहां टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर लिया है पर खाने को कुछ भी नहीं। साइंस फ्रिक्शन एक्शन 2021 की नेटफ्लिक्स की तरफ से स्पेस स्वीपर्स।
थैंक यू फॉर नेटफ्लिक्स कई दिनों के बाद इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ साइंस फिक्शन एक्शन मूवी देखी है। एकदम इसके एक्शन सीन टॉप नॉच लेवल का। मूवी की स्टोरी, एक बच्ची को बचाने के लिए केवल 3 कोई और एक रोबोट पूरी सिस्टम से लड़ जाते हैं। उसके बाद से जो एक्शन सीन देखने को मिलता है ना, सच में दिल खुश हो जाता है। और सबसे खास बात, उस छोटी सी बच्ची की एक्टिंग, उसकी मासूमियत आपके दिल में बस जाएगी। अगर आप साइंस फ्रिक्शन मूवी के फैन हैं तो ये मूवी आपको डेफिनेटली देखनी ही चाहिए। ये मूवी आपका पूरा टाइम डिजर्व करती है। इसे नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं और इसे अनऑफिशियली साइट से हिंदी डबिंग डाउनलोड कर देख सकते हैं। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी के बारे में पूछिए मत। ऐसी खतरनाक कॉन्सेप्ट इन कोरियन वालों के दिमाग में आता कहां से है? अगर आता भी है तो इसे मूवी में इतने परफेक्ट और बैलेंस्ड तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे कर लेते हैं? मानना पड़ेगा भाई, सच में मानना पड़ेगा इनकी सोच को। 2020 की एक्शन थ्रिलर दिमाग हिला देने वाली कॉन्सेप्ट के साथ द कॉल। एक ऐसा कॉल पास्ट से फ्यूचर में आती है। इस टॉपिक को इतने बैलेंस्ड और परफेक्ट टाइमिंग के साथ दिखाया है कि मानना पड़ेगा। ऐसी मूवी को नहीं देखा तो क्या देखा। इसे आप ऑफिशियली हिंदी डबिंग के साथ हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 1 की मूवी के बारे में क्या ही बताए, एकदम तबाही। 2017 की एक्शन ड्रामा चीड़ फाड़ फीमेल एक्शन के साथ द वैली में। मूवी के सबसे बेस्ट पार्ट है इसके सिनेमेटोग्राफी और कैमरा एंगल। कोरियन मूवी की खासियत ही होती है, ये लोग अपने कैमरा एंगल पे ज्यादा फोकस्ड करते हैं, जिसके वजह से हमें मूवी देखने का सिनेमेटिक एक्सपीरियंस होती है। ये मूवी आपको स्टार्टिंग से ही फील करा देगी। एक्शन सीन ऐसा कि आपको नेटफ्लिक्स की नाइट कम फॉर अस की फील करा देगी। स्टार्टिंग के 30 मिनट और लास्ट के 30 मिनट जो स्क्रीन पे तबाही होता है ना, देखकर मजा बहुत आता है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ गर्ल्स को ट्रेन कर मिशन को अंजाम देने के काबिल बनाया जाता है। अगर आपको दूसरे शादी के दिन ही आपके पहले पति को मारने का मिशन दिया जाए तो आप क्या करिएगा? मिशन कंप्लीट करने के बाद भी आपको चैन से रहने ना दिया जाए, आपके पति और बच्चे को एक बॉम्ब से उड़ा दिया जाए। उसके बाद से जो उन लोगों पे गुस्सा निकलता है ना, वो देखने के बाद मूवी आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगी। इसे आप इंग्लिश में और अनऑफिशियली साइट से अनऑफिशियली हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हैं। ऐसे ही हिडन और क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग में से 99% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ट्रस्ट मी, इस चैनल की तरफ से आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करेगा। स्टे होम, सेफ लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।